कि जिस व्यक्ति ने 30 वर्ष से लालगंज की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया और पार्टी ने उस प्रकार से प्रोजेक्ट भी किया और एक साजिश के तहत एक सामने उसी नाम के व्यक्ति को जिनका लालगंज की धरती से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है और उनको मैदान में अचानक उतार दिया गया, तो कार्यकर्ता इस कारण से काफ़ी आक्रोश में है। तो मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सेवा इतने दिनों से मैं कर रहा था, आज उन लोगों के निर्णय के कारण हम यहां आए हैं लालगंज की धरती पर। भाजपा का एकलव्य जिसे पार्टी के द्रोणाचार्य ने भले ही दरकिनार कर दिया हो, मगर वह आज भी उन्हीं का नाम जपकर चुनावी विद्या में पारंगत होने निकल पड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैशाली जिला के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बागी उम्मीदवार संजय कुमार सिंह की, जिस पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भले ही पार्टी ने विश्वास न किया हो, मगर बागी उम्मीदवार आज भी मोदी नाम का जाप करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके साथ जो भी नाइंसाफी हुई है उसमें पार्टी के आलाकमान की नहीं बल्कि प्रदेश स्तर से साजिश हुई है। उन्होंने कहा कि टिकट बांटने का काम मोदी जी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में इस तरह की आई अशुद्धियों को शुद्ध करना ही उनके चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है। जाहिर सी बात है कि लालगंज में इस बार इस बागी उम्मीदवार के साथ साथ बीजेपी और LJP की ओर से भी मोदी नाम का धुन बजेगा, मगर इस धुन का जनता पर क्या असर होगा यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। चुनौती है, सामने में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, भाजपा के होंगे, लोजपा के होंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी सामने हैं। इसके अलावा मुन्ना शुक्ला निर्दलीय जो कई बार विधायक रह चुके हैं, तो इस सारे चैलेंज को आप कैसे फेस करेंगे? देखिए, जो लोग अपनी बात लेकर सामने आए हैं, मैं किसी के विरोध में नहीं खड़ा हुआ। मैं यहाँ लालगंज की सेवा करने के लिए एक लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, जनप्रतिनिधि रूप में आऊँगा। जो लोग आए हैं मुझको किसी की आलोचना नहीं करनी है कि वो क्या करते हैं। अभी तक लालगंज के साथ क्या हुआ है वो सबके जेहन में है, सब लोगों ने देखा है। तो यदि अगर परिवर्तन चाहते हैं कि जो परिदृश्य लालगंज में उभरा है उससे अच्छा कुछ होना चाहिए, तो मेरी अपील है कि एक मौका जरा देकर देखा जाए। आपने इतने दिनों से दिया है तो एक बार मौका देखा जाए। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपके साथ दिख रहे हैं, इसके बावजूद जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई, सब हमारे साथ हैं। अभी आपके सामने में घोषणा करेंगे, बोल दीजिए पर अध्यक्ष लोग इस्तीफा दिया है कि नहीं। मैं जैकी सिंह दे चुके हैं, इस्तीफा दे चुका हूं, दे चुके हैं, जिंदाबाद। कोई जात पात की बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ लालगंज की बात होगी, बात होगी तो लालगंज के विकास की बात होगी। कोई जात पात करने वाले नहीं टिक पाएंगे। जो जाति के आधार पर मतदाताओं को तोड़ते हैं, अलग करते हैं, वो टिक नहीं पाएंगे। मेरा पूरा पूरा विश्वास है कि लालगंज के लोग लालगंज की सेवा करने के लायक ही प्रतिनिधि को चुनेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जरा इतिहास भूगोल उलट के देख लीजिए, जो प्रत्याशी आए हैं पहले से क्या किया है। यदि जनप्रतिनिधि हम नहीं रहे तब क्या कर रहे लोगों के साथ। मैं तो अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूं, मैं वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ा हूं अभी तक। एक बार लड़ा MLA का चुनाव यहां पहले से, और मैं चुना हुआ प्रत्याशी नहीं, मैंने वार्ड का भी चुनाव नहीं जीता। तो देखा जा सकता है मेरे बारे में, आज 52 साल से अधिक का आयु की आयु हो गई है, तो आज तक मैंने क्या किया है इस क्षेत्र के लोग पता कर सकते हैं कि आज के पहले का हमारा जीवन कैसा रहा। ऐसे बाकी लोगों से भी पूछना चाहिए कि आज आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, आज के पहले आपका जीवन कैसा रहा है, आपने कॉलेज में कैसा जीवन जिया है, अपने गांव समाज में कैसा जीवन जिया है, परिवार में किस प्रकार का जीवन जिया है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है। यदि जनप्रतिनिधि होंगे तब भी, नहीं होंगे तब भी। वो तो कहते हैं कि उनसे पुराना हमारा रिश्ता है RSS से या संघ के साथ, वो तो डायरेक्ट भाजपा में आते, हम तो संघ से शुरू किए हैं अपनी राजनीति। देखिए, हम उस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा RSS की बात जानते होंगे। तो ठीक है, RSS में जो हों, भारतीय जनता पार्टी में जो हों, उनके जीवन चरित्र से वो झलकना चाहिए, यही प्रमाण है। मैंने कहा था दीनदयाल उपाध्याय जी और श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के का बलिदान दिवस, उनका जीवन दर्शन हम लोग पढ़ते हैं, करते हैं, तो उस पर चलने का मैं भी काम करता हूँ। इसको लोग तोड़ के देखेंगे कि लोग करते क्या है। आपको उम्मीद है कि आपके मेहनत का मेहनत आना लोग देंगे और चुनाव जीतेंगे? पूरा पूरा विश्वास है कि जो मैंने इतने दिनों से किया है,
जहाँ जा रहा है सब लोगों ने कहा है कि भाई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या लगता है, आप भी संजय जी हैं और भाजपा के प्रत्याशी भी संजय जी हैं, दो भागों में भाजपा का वोट बटेगा? ये नाम से क्यों बटेगा? नाम तो मेरे गांव में चले जाइएगा तो 7-8 नाम है संजय कुमार मेरे ही गाँव में, तो अपने अपने काम से परिचय होता है, काम से परिचय बताएंगे। लालगंज की धरती से किनका रिश्ता नाता रहा है वो बताएंगे। वो आज टोकरी से अपने वोटर का दावा करते हैं कि टोकरी से यहाँ वोटर हैं, ये टोकरी वाला वोटर किसका बनाया, कैसे बनाया है और अब ये कहाँ रहेगा? टोकरी से वोटर है तो वो किस कारण से है ये लोगों को मालूम है। किसी दल के अंदर कोई गड़बड़ी हुई है, अगर भारतीय जनता पार्टी से हमारी निष्ठा है तो हमको विचार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की शुद्धता कैसे होगी, उसको ठीक कैसे करेंगे कि आगे कोई गलती न करे। ये भी जनता की जिम्मेदारी है, ये भी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। पार्टी आपके साथ दगाबाजी की, फिर भी अभी मोदी के जयकारा का नारा लग रहा है। नरेंद्र मोदी देश के भाग्य विधाता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, तो हम लोग भी नरेंद्र मोदी के नाम के साथ है। कोई नरेंद्र मोदी जी थोड़े सिम्बॉल बांटते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की आबादी कोई कागज में सिंबल लेके आया है, हमारे तो शरीर में शिखा से लेकर नख तक सब जगह सिंबल लगा हुआ, लेकिन पार्टी ने आधिकारिक रूप से प्रत्याशी नहीं बनाया है तो हम जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं कि लोगों को लगता है कि यदि मैंने 30 बरस से काम किया है लोगों के साथ तो मिलजुल कर एक मौका दें। और